नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुरमे टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ लक्षिका। नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर हिंसा, इम्फाल में भीड़ और सेना के बीच हुई फायरिंग। अमित शाह 24 जून को ऑल पार्टी करेंगे मीटिंग। कांग्रेस बोली मणिपुर में करे बैठक। जम्मू कश्मीर में लश्कर के आतंकियों के दो सहयोगी गिरफ्तार। AK-47 की 12 राउंड गोलियां और एक ग्रेनेड बरामद। अमेरिकी कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत। मोदी से मुलाकात के बाद मस्क ने कहा टेस्ला बहुत जल्द भारत में होगी। मणिपुर हिंसा को लेकर सोनिया गांधी का वीडियो संदेश। कहा हिंसा ने राज्य के लोगों का जीवन तबाह कर दिया, शांति की अपील की। पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स के 82,000 जवान हो तैनात। पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट का आदेश। नॉमिनेशन में छेड़छाड़ की होगी CBI जांच। कपल की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कहा केरल में मैरिज रजिस्ट्रेशन के वक्त धर्म बताना नहीं होगा जरूरी। सरकार ने जारी किया सर्कुलर। जम्मू कश्मीर में बोली महबूबा मुफ्ती। कहा अमरनाथ यात्रियों की सेवा करे पार्टी वर्कर्स। कश्मीरियत दिखाने का सुनहरा मौका। MP समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। असम के 10 जिलों में बाढ़। 1,00,000 से ज्यादा प्रभावित। बंगाल बिहार में 11 लोगों की मौत। SFJ आतंकी गुरपतवंत पन्नू हुआ लापता। भारत सरकार पर लगाया था निज्जर की हत्या का आरोप। NIA की हिटलिस्ट में है शामिल। चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ भीषण ब्लास्ट। 31 की मौत। गैस लीक होने के कारण धमाका। इलाके में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की चल रही थी तैयारी। देश प्रदेश की सभी खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।